दोस्तों आ गया दुनिया की सबसे सस्ता स्मार्टफोन आप सभी के लिए बस 8000 रुपये के अंदर में। यह सबसे खूबसूरत फ़ोन और सबसे बढ़िया फ़ोन गेमिंग फ़ोन आप सभी को इस वीडियो में इंफॉर्मेशन मिलेगी। स्पेसिफिकेशंस भी पूरा चीज़ मैं डिटेल्स में आपको दिखाऊंगा, इस फ़ोन का लुक भी आपको दिखाऊंगा। सो आप लोग अंडर 8 के बढ़िया सा फ़ोन खोज रहे हो तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखोगे तो पूरा कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाएगा और आप एक अच्छा सा बढ़िया सा कैमरा वाली फ़ोन चूज कर पाएंगे, एक बढ़िया सा गेमिंग फ़ोन चूज कर पाएंगे और आप आसानी से अपने मार्केट में जा करके इस फ़ोन को ले भी सकते हैं। और दोस्तों सारी चीज़ें मैं यहाँ पे पूरा कन्फर्म आपका यहाँ पे कन्फ्यूजन दूर करने वाला हूँ। सो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखना। तो दोस्तों शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और रेड बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दिख रहा होगा इसको भी जोर से दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गाइज मैंने नंबर 5 पे इस फोन को रखी है, Redmi 9A को। और दोस्तों इस फोन में स्पेसिफिकेशन जो मिलते हैं आप सब यहाँ पे लाइव देख सकते हो। डिस्प्ले आपको इस फोन में देखने को मिलती है 6.53 इंच का HD डिस्प्ले, साथ में IPS पैनल। साथ ही साथ दोस्तों अगली फीचर्स की बात करें इस फोन में आपको तो बैक कैमरा मिलती है 13MP का और फ्रंट कैमरा मिलती है साथ ही साथ आपको 5MP के विथ फ्लैश लाइट के साथ में। दोस्तों इसमें आपको फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलती है। दोस्तों अगले फीचर्स की बात करें इस फोन में तो आपको बैटरी बैकअप मिलती है 5000mAh की बैटरी। जी हाँ दोस्तों 5000mAh की बैटरी। अगले फीचर्स की इस फोन में बात करें तो दोस्तों रैम और रोम, दोस्तों इस फोन में आपको 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें गाई जी इस फोन में तो हीलियो G35 प्रोसेसर है गाई जी इस फोन में, आप सब यहाँ पे देख रहे हो लाइव हीलियो G35। और दोस्तों एंड्रॉयड 10 इस फोन में आपको मिलेगी, आप सब इसे मतलब लोगे तो आप इसे अपडेट कर सकते हो। और साथ ही साथ दोस्तों इस फोन की प्राइस है 8000 रुपया, अब भी करंट टाइम में इस फोन की प्राइस है 8000 रुपया। लेकिन दोस्तों इस फोन से भी आपको बेहतर एक और फोन है, मैं आपको 4 नंबर को दिखा देता हूं। दोस्तों उस फोन से भी कुछ अच्छा फोन ये है जो मैंने 4 नंबर पे रखा है, पोको C3 को। और इस फोन में कुछ अलग फीचर्स एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिलेगी पहले वाले फोन से। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा क्योंकि अंत तक देखेंगे तो ही आप इस फोन के बारे में अच्छा से डिटेल्स जान पाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले इस फोन की फीचर्स की बात करें तो डिस्प्ले आती है, डिस्प्ले आपको 6.53 इंच का HD IPS डिस्प्ले मिलती है। दोस्तों सेम उसमें भी है और सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें बैक कैमरा आपको यहां पे बात करें तो 13MP का प्लस पॉइंट आपको 2MP का डेप्थ सेंसर कैमरा प्लस में आपको 2MP का आपको माइक्रो कैमरा मिलती है कुछ उस फोन से एक्स्ट्रा फीचर्स के साथ में। लेकिन दोस्तों फ्रंट कैमरा आपको 5MP का ही मिलेगा। और दोस्तों अगली फीचर्स की इस फोन में बात करें तो बैटरी आपको 5000mAh की मिलती है। दोस्तों अगली फीचर्स की इस फोन में बात करें और तो रैम और रोम तो 3GB रैम और 32GB स्टोरेज मिलती है जो सेम ही है, बैटरी भी सेम ही है। दोस्तों आपको इस फोन में फ्लैश लाइट मिलती है बट फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलती है। लेकिन गाइज प्रोसेसर आपको इस फोन में हीलियो G35, उसमें भी हीलियो G35 है और एंड्रॉयड 10 है। दोस्तों जब ये फोन लेंगे आप लोग तो आप लोग अपडेट कर सकते हो। और दोस्तों इस फोन की करेंट प्राइस है 7499 रुपया, दोस्तों उस फोन से 500 रुपया इस फोन पे कम चल रही है। तो दोस्तों यह फोन भी आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर और बहुत ही शानदार है। लेकिन मैं इस फोन से भी कुछ और बेहतर फोन आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जो आप लोग पूरा इस वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए उस फोन को भी आपको बता देता हूँ। दोस्तों अब बारी आती है 3 नंबर। 3 नंबर में मैंने Realme C21 को रखा है। और दोस्तों इस फोन में कुछ उस फोन से भी एक्स्ट्रा फीचर आपको इस फोन में देखने को मिलती है। तो दोस्तों वो क्या चीज है मैं आपको इस फोन में बताऊंगा, तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक पूरा देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं इस फोन में आपको बताऊं तो डिस्प्ले आती है, डिस्प्ले आपको इस फोन में 6.53 इंच का फुल HD डिस्प्ले विथ IPS पैनल के साथ में मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों अगली फीचर्स की बात करें तो बैक कैमरा आपको 13MP प्लस 2MP प्लस 2MP का कैमरा मिलती है 3, साथ ही साथ फ्लैश लाइट भी
आपको मिलती है इस फोन में। और गाइज इस फोन में आपको फ्रंट कैमरा मिलती है 5 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 4 नंबर और 5 नंबर पे भी आपको मतलब 5 मेगापिक्सल का कैमरा मिल रहा था, लेकिन उसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिल रहा था। तो दोस्तों आप सब देख सकते हो इस फोन में Realme का जो C21 है इसमें आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलती है। तो गाइज बहुत ही अच्छी चीज है इसमें। लेकिन आपको यहाँ पे बैटरी बैकअप की बात करें तो गाइज इस फोन में बैटरी बैकअप 5000 mAh की बैटरी बैकअप मिलती है, सेम ही है। रैम और रोम आपको 3GB और 32GB मिलता है। प्रोसेसर भी सेम ही है, हेलियो G35 और OS एंड्रॉयड 10 पे यह फोन अवेलेबल है। और आप लोग इस फोन को ले लोगे तो आप इसे अगले अपडेट भी कर सकते हो। और दोस्तों इस फोन की करेंट प्राइस की बात करें तो 7499 रुपया मिलती है, बट थोड़ा सा 500 रुपया अधिक लग रहा है। तो दोस्तों इससे भी और बेहतर फोन मैं आपको बता रहा हूँ, सो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू अंत तक देखते रहिए। अब दोस्तों ध्यान से इस वीडियो को देखना। 2 नंबर पे मैंने रखी है Infinix Hot 10 Play को। और दोस्तों इस फोन में सभी से हट के कमाल कमाल के फीचर्स इसमें देखने को मिलेगी आपको। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक एकदम ध्यान से देखना, बारीकी से देखना, ताकि आपको इस फोन को लेने में कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी समस्या ना हो। तो दोस्तों इस फोन में आपको डिस्प्ले मिलती है 6.82 HD IPS डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, सभी से अलग। और दोस्तों इस फोन में आपको बैक कैमरा मिलती है 13MP प्लस डेप्थ सेंसर के साथ में। दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, कैमरा भी इसका अच्छा है। और दोस्तों फ्रंट कैमरे की बात करें तो दोस्तों इसमें आपको 8MP का, पहले वाले में 5 मेगापिक्सल का मिलता था, लेकिन इसमें आपको 8MP का फ्लैश लाइट के साथ में आपको यह मतलब आपको मिलेगी। इस फोन में आप लोग अगर रात में अंधेरे में फोटो खींचते हो फ्रंट कैमरा से तो फ्लैश लाइट इसका इस्तेमाल करके आप लोग काफ़ी अच्छा फोटो निकाल सकते हो। साथ ही साथ दोस्तों इस फोन में आप को एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलती है, जो बाकी सब फोनों में नहीं मिल रही थी। दोस्तों मैं इस फोन में आपको बैटरी बैकअप की बात करूं तो आपको 6000 mAh की बैटरी बैकअप मिलती है, जो सभी फोनों से 1000 mAh अधिक मिल रहा है। तो दोस्तों है ना कमाल की फोन। और दोस्तों इस फोन में आपको रैम की बात करें गाइज तो रैम और रोम 4GB और 64GB मिल रही है। दोस्तों बाकी सब फोनों में 3GB और 32GB मिल रहा था, बट इसमें आपको 4GB और 64GB मिल रहा है। तो गाइज है ना कमाल की बात। और दोस्तों प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन में आपको सेम ही प्रोसेसर मिलती है, हेलियो G35 प्रोसेसर। और दोस्तों OS की बात करें तो एंड्रॉयड 10 है। आप लोग इस फोन को लेंगे तो यह अपडेट भी कर सकते हैं। करंट प्राइस इस फोन की दोस्तों बात करें तो 8499 रुपया, बस 500 रुपया अधिक पड़ रहा है। और दोस्तों बाकी सभी फोनों से कुछ अलग और कुछ नया आपको कॉन्सेप्ट देखने को मिलती है, बहुत ही झकास फोन देखने को मिलती है दोस्तों। लेकिन इस फोन से भी कुछ अलग फोन है जो अपनी ही देश में बनी हुई है, अपनी देश की ब्रांड फोन है दोस्तों। उस फोन को मैंने नंबर 1 पर रखी है, तो उस फोन को आप लोग पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि इस फोन से भी टॉप यह फोन है। तो फाइनली दोस्तों अब आ गया 1 नंबर वाली फोन, जो सबसे बेहतर और सबसे झकास और अपने देश में बना हुआ फोन है, Micromax In 1B। जी हाँ दोस्तों, यह फोन आपका दिल जीत लेगा, आपका धड़कन छीन लेगा। जी हाँ दोस्तों, इस फोन में खास मतलब फीचर है आप सभी के लिए, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। प्राइस भी बहुत कम है, तो आप लोग इस फोन को यहाँ पे, इस फोन में जो डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों डिस्प्ले मिलती है 6.52 इंच का HD IPS डिस्प्ले। दोस्तों आप सभी को सेम चीज मतलब इसमें भी आपको मिलती है। बैक कैमरे की बात करें दोस्तों तो इसमें आपको 13MP प्लस 2MP का 2 कैमरे मिलते हैं फ्लैश लाइट के साथ में। और दोस्तों इस फोन में फ्रंट कैमरा मिलती है 8 मेगापिक्सल का। जी हाँ दोस्तों, 8 मेगापिक्सल का। दोस्तों इस फोन में आपको एक फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलती है दोस्तों, एक फ्लैश लाइट भी देखने को मिलती है बैक में। दोस्तों आप सब सारे चीजें लाइव देख रहे हो। दोस्तों मैं आपको यहाँ पे रैम की बात करें तो दोस्तों रैम और रोम इसमें 4GB प्लस 64GB आपको मिलती है, जो सबसे बेहतर है और सबसे झकास भी है। दोस्तों इस फोन में आपको प्रोसेसर हेलियो जी
35 मिलती है जो सभी में मिल रही है, वही चीज़ आपको इसमें भी मिल रही है। दोस्तों OS की बात करें तो Android 10 पे यह फ़ोन है अभी, और दोस्तों आप लोग इस फ़ोन को खरीदोगे तो इसे आप लोग अपडेट करके आगे तक ले जा सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन को फाइनल प्राइस की बात करें, करेंट प्राइस की बात करें तो दोस्तों 7999 रुपये में, अंडर 8000 रुपये में आपको यह फ़ोन सबसे बेस्ट फ़ोन मिल जाती है। दोस्तों ऐस फ़ोन के जैसा मतलब कोई भी नहीं, क्योंकि यह फ़ोन इंडिया में बना हुआ है और अपने देश का फ़ोन है, तो सबसे बेहतर और सबसे अच्छी फ़ोन है। मेरे मतलब अपने सजेशन से बात करूँ तो ये आप सभी के लिए सबसे बेस्ट और सबसे झकास फ़ोन है। बट आप सभी के लिए कौन सा फ़ोन अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरे हिसाब से माइक्रोमैक्स इन वन भी आप सभी के लिए सबसे बेस्ट फ़ोन है, और आप सभी इस फ़ोन में गेमिंग वोमिंग सब चीज़ कर सकते हो। दोस्तों आप सभी के लिए ये फ़ोन बहुत बेहतर है, तो आप लोग को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई ये चीज़ मेरे लिए छूट गया है, आप बता दो है कि नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना।